अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है सब खैर वाफियत से रहें। आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ रान बिरयानी की। बहुत ही मज़े की रान बिरयानी बनती है और इसे बनाना बहुत आसान है। तो रान बिरयानी को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही लिया है मैंने यहाँ पर 1 कप, साथ लेमन जूस ले लिया है 2 खाने के चम्मच, कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 3 खाने के चम्मच, गरम मसाला ले लिया है 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च ले ली है 1 खाने का चम्मच, हल्दी ली है 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच भर के, और ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। तो सारी चीज़ें रान के अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। रान को अच्छे से मैंने धो लिया था और उसे बड़े बड़े कट्स लगा लिए थे छुरी के साथ। सारे मसाले इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे इसे और मसाला लगा लेंगे अच्छे से। और रान का वज़न तकरीबन 2 किलो है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला अच्छे से लगा कर इसे ओवरनाइट रख दूँगी मैं, ताकि मसाला जो है वो इसके साथ अच्छे से जज्ब हो जाए। रान को पकाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और उसमें मैरिनेट की हुई रान रख दी है, जो कि ओवर नाइट रखी गई थी मसाला लगाकर फ्रिज के अंदर। तो फ्रीज नहीं किया था इसे मैंने। तो साथ ही जो इसका मसाला बचा हुआ है दही वाला, वो भी इसके अंदर डाल दूंगी, और साथ में डाल दिया है 2 गिलास इतना पानी। गिलास यहाँ पर मेरे पर बड़े साइज के हैं, तो इसे हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और इसके ढक्कन को मैंने एक रुमाल से कवर कर लिया था ताकि भाप ज़्यादा इसके खारिज ना हो। दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, चावल उबालने के लिए सार डाल दिया मैंने गर्म मसाला 1 चम्मच भर के 1 खाने का, और नमक डाल दिया है 1 खाने का चम्मच भर के। पानी को उबाल आ जाए तो चावल डाल दूंगी। तो बिरयानी को तड़का लगाने के लिए प्याज ली है मैंने यहाँ पर 3 अदद मीडियम साइज़ की, और साथ मैंने घी ले लिया है 1 कप के जितना। तो आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ। घी के अंदर बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। तो ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो आधा प्याज जो है मैंने निकाल लिया है गार्निशिंग के लिए, और आधे प्याज के अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 2 खाने के चम्मच, यानी 2 खाने के चम्मच लहसुन और 2 खाने के चम्मच अदरक। तो भून लिया है इसको। भूनने के बाद टमाटर ले लिया है मैंने मीडियम साइज़ 5 अदद, जो उसे बारीक काट कर लिया है, वो भी इसमें शामिल करके अच्छे से गला लेंगे टमाटर को। और साथ जो चीज़ें शामिल करने के लिए मैंने दही लिया है 1 कप, और हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, और नींबू ले लिया है 3 खाने के चम्मच भर के, और उसके अंदर नींबू कट करके हरी मिर्चें रखनी है। बादियान का यहाँ पर पाउडर लिया है मैंने 1/2 खाने के चम्मच, गरम मसाले के अंदर लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया है साबुत, और इस तरह हल्दी है 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1.5 खाने का चम्मच। तो ये सारे मसाले जाएंगे हमारे इस टमाटर के मसाले के अंदर। टमाटर जो है वो अच्छे से भून गए हैं, तो दही और मसाले डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चावल जो है वो मैंने डाल दिए थे पानी उबाल आने पर। चावल मैंने पहले 10 मिनट भिगो लिए थे। बासमती चावल है मेरे पास ये, और ये 1.5 किलो की रेसिपी है। 1.5 किलो चावल थे मेरे पास और मैंने उबाल लिए हैं इस तरह कि ये बिल्कुल भी नहीं नरम हुए। तो टमाटर का जो पेस्ट है वो हमारा तैयार हो चुका है, उसमें से आधा जो पेस्ट है वो मैं निकाल लूँगी, और चावल जो उबाल लिए थे उनकी तह लगा लूँगी मैं आधे मसाले के अंदर, और हरी मिर्चें और नींबू जो मैंने कट करके रख लिया था वो भी डाल दूंगी ऊपर। दोबारा से जो मसाला निकाला गया था उसको डाल दूंगी, और फिर से डालूंगी ऊपर से चावलों की एक तह। रान जो है वो इधर हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने दरमियान में पलट भी लिया था 2 दफ़ा, और ये देखिए बिल्कुल पानी इसका खुश्क हो चुका है, और जो मसाला है इसका ये भी हम निकाल के इजाफी बिरयानी के चावलों पर डाल देंगे, और रान भी रख देंगे इस तरह। और जो प्याज मैंने निकाल ली थी वो भी मैंने डाल दी है इसके ऊपर, और साथ में यहाँ पर डाल रही हूँ फूड कलर ऑरेंज वाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो रहने दे सकती हैं।
और इसको ढांप दिया है मैंने एक रुमाल के साथ, इसके ढक्कन को कवर देकर 10 मिनट के लिए दम पर। 10 मिनट के बाद ये देखेंगे हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। रान को निकाल लेते हैं और चावलों को हम कर लेते हैं मिक्स। बहुत ही मज़ेदार इसका जायका बना है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है। तो लीजिए रान बिरयानी जो है वो हमारी डिश आउट हो चुकी है, बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी, और बहुत अच्छे से ये रान जो है वो गल चुकी है और टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अगर पसंद आई ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी लेकर, अल्लाह हाफिज़।